Hi everyone and welcome back to my channel Saint's Nest. To my Ruby Sane, आप सब कैसे हैं? I hope you all are doing well and happy new year to all of you. ये 31st December का ब्लॉग है, साल का आखिरी दिन का ब्लॉग. मैंने किस तरह से बिताया है वही मैं आज आपसे शेयर करूंगी. और आज मेरे पापा का पुण्यतिथि है, इसलिए मैं सारी जो माली है सबको खाने पे बुलाई हूँ और उसी के लिए प्रिपरेशन चल रहा है और उनके लिए मैं खाना बना रही हूँ. यही है आज का ब्लॉग. और फ्रेंड्स, आपने न्यू ईयर्स को किस तरह से सेलिब्रेट किया है 31st दिसंबर को, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा. और इधर फुल फ्लेज में खाना बन रहा है, ये मिक्स वेज की तैयारी मैं कर रही हूँ और मसाला भून रही हूँ. क्या क्या बन रहा है सब आपको पहले शेयर कर लेती हूँ, बता देती हूँ. मैं बना रही हूँ लाल भाजी और जिसमें मैं बादाम फ्राई करके डाली हूँ. और मिक्स वेज बनेगा, चने की दाल बना रही हूँ जिसमें नारियल डाल के भून के डाली हूँ. और साथ में बनेगा चटनी और मछली भी बना रही हूँ, फिश करी. तो यही सब बन रहा है. और मिठाई में, डेजर्ट में मैंने रसगुल्ला मंगवाया है मार्केट से, रसगुल्ला है. तो यही है आज का मेन्यू. तो झटपट झटपट मैं काम पे लग गई हूँ और दाल भी मैंने चौक लगा दिया है, दाल बन चुका है. आज मैं कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ और मैं झटपट सिर्फ आपको यही दिखा रही हूँ कि क्या क्या बना हुआ है. मिक्स वेज बिल्कुल तैयार है और मछली भी मैंने चढ़ा दिया है कढ़ाई में. और ये देखिए, ये रोहू फिश है और दो ही माछ बना रही हूँ. तो फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन क्लिक करना मत भूलिए ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए एंड यू विल बी द फर्स्ट वन टू सी इट. लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज़ पॉसिबल विद फ्रेंड्स एंड फैमिलीज. और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है साड़ी हंड्रेड और मेरा फेसबुक पेज है सेंट्स नेस्ट. पापा को गए हुए 7 साल हो गए हैं, लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं जाता है कि हम पापा की बात नहीं करते हैं. हर दिन पापा को याद करते हैं और पापा को मिस भी करते हैं. आज के दिन मैं जितने भी यहाँ पे माली है, 6 माली, एक स्वीपर और हमारा ड्राइवर और मेड, इन सबको मैंने खाने पे बुलाया है. और 3 साल से मैं इसी तरह इन लोगों को इस दिन पे खाना खिलाती हूँ और बिल्कुल तैयार हूँ और वेट कर रही हूँ इन सब के लिए. यहाँ पे मैंने बिछा दिया है बैठने के लिए, नीचे बैठा के सबको खिलाऊँगी खाना. और देखते ही देखते सब लोग आ चुके हैं और सबको मैं खाना परोस देती हूँ. अपने हाथ से खाना बना के खिलाने का अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलता है. और आज के दिन मुझे लगता है कि इससे अच्छा और कोई भी काम नहीं होगा कि इन सबको अच्छे से पेट भर के खाना खिलाना. और मैंने इस तरह से सेलिब्रेट किया है. शाम को मैंने क्या किया है वो मैं शेयर करूँगी ऑन माय नेक्स्ट इन ब्लॉग, तो उसे भी देखना आप मत भूलिएगा. तो इसी तरह बने रहिए मेरे चैनल में. और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन क्लिक करना मत भूलिए ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए एंड यू विल बी द फर्स्ट वन टू सी इट. इसी तरह प्यार बरसाते रहिए और नए साल आप सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो.
और आपने अपना नया साल किस तरह से सेलिब्रेट किया है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं ऑन माय नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।